उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया है और मांग की है कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी करने को लेकर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और दोनों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने मामले को सुलझाने की कोशिश की। इसके तहत बीते दिनों अपने प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था और दिल्ली के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित कर दिया था। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। तो वही इसी को लेकर आज जनपद मुरादाबाद में लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भी दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही और गिरफ्तारी की मांग की है।